हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? व्हाट्सअप, आप देख रहे हैं स्मार्ट अचीवर और मैं डॉक्टर अनुज कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार एक परफेक्ट आंसर लिखा जाए, कितना लिखा जाए और कैसे लिखा जाए। वो सारे तरीके जानेंगे कि हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर इन बोर्ड एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि लोगों के मन में बड़े सवाल होते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन बोर्ड एग्जाम, हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड एग्जाम, तो एंड हाउ टू राइट सीबीएसई बोर्ड पेपर इफेक्टिवली। इन सभी क्वेश्चंस के कुछ जवाब हैं, कुछ आसान तरीके हैं, इनके लिए कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और आप एक परफेक्ट आंसर लिख के आएंगे और एक अच्छे परसेंटेज आ पाएंगे। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेपर प्रेजेंटेशन। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है पेपर प्रेजेंटेशन, कि आपको पेपर किस तरह से प्रेजेंट करना है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने पूरे साल पढ़ा है, कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, अब वो चीज़ें मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी है। प्रोडक्ट मींस अब आपका जो पूरी तैयारी है वो रेडी है, अब आपको उसको मार्केटाइज करना है। तो आपको वो किस प्रकार से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर उसको देखकर खुश हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे, नंबर एक चीज़ तो ये। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें जानना होगा कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है, ये जानना होगा। और आपको इसको जानने के बाद एक इस हिसाब से आंसर लिखना है कि एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान हो जाए। हमें यहाँ पर दो बातें याद करनी है कि एग्जामिनर को यह नहीं पता है कि आप किस प्रकार के बच्चे हो। अगर स्कूल में आपकी कॉपी चेक होती है तो वहाँ पर एग्जामिनर को पता होता है, आपके टीचर को पता होता है कि ये भैया तरुण राठी जी हैं, ये महेश पांडे जी हैं और ये बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर हैं या बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और इसको इस तरह से मार्क्स देने हैं। लेकिन एग्जामिनर आपको नहीं जानता, ठीक है। दूसरा, तो हमें क्या करना होगा, अपने आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि फर्स्ट आंसर को पढ़ते ही उसके ऊपर एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो क्या होगा, वो आपके बारे में कुछ चीजें उसे समझ में आएंगी कि यहां ये बहुत अच्छा बच्चा है। इस चीज के उनके लिए भी फायदे हैं जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं करते थे लेकिन बोर्ड में अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो एग्जामिनर को के माइंड को जानने से पहले दो तीन चीज़ों को जानना है कि एग्जामिनर को डेली कुछ कॉपी चेक करने का टारगेट दिया जाता है और हर कॉपी पर उसको क्या मिलते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो वो क्या करना चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी कॉपी चेक करना चाहता है और कॉपी चेक करके घर जाना चाहता है। तो वो क्या चाहेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एग्जामिनर के लिए चीज़ों को आसान बनाना होगा, ठीक है, कि ताकि उसे ज़्यादा समय ना लगे। इसके लिए क्या करना होगा, कोशिश हो सके तो हम पॉइंट फॉर्म में लिखें, क्लियर लिखें और हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ओके। दूसरा काम क्या करना है कि हैंड राइटिंग में क्लियरिटी हो। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है तो क्लियरिटी हो, ठीक है। और जब आपका एक आंसर फिनिश हो जाए, तीसरी बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका कोई एक आंसर फिनिश हो जाए तो उसके बीच में दो लाइनों का या तीन लाइनों का गैप दें और फिर एक न्यू आंसर को आप स्टार्ट करें, ठीक है। इससे क्या होगा, विजिबिलिटी आती है और थोड़ी सी क्लियरिटी आती है जिससे एग्जामिनर के लिए आसान होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई काट पीट नहीं करनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करिए, लेकिन काट पीट से बचना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चंस आपको 100 वर्ड में लिखना है, 80-90 वर्ड में लिखना है, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आता है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली, वो आपको 80-90 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 60 वर्ड या 70 वर्ड्स में भी अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं,
इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके एग्जाम आपके लिए टाइम भी बचेगा और आपके आंसर की लेंथ भी कम होगी, जिससे आपको अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसलिए मैं आपको कुछ CBSE के सैम्पल पेपर दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक लास्ट ईयर के बोर्ड के टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा कि उसने किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट किया और उसको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो काम किए गए। कि यहाँ पर आप क्लास टेंथ का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से पेपर का पैटर्न है। कि ऑल क्वेश्चन पेपर कंप्रेजेस 3 सेक्शन A, B and C, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन। 3 सेक्शन पेपर में डिवाइड है ABC और सभी सेक्शन को आपको अटेंड करना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ओके, इंटरनल चॉइस इज गिवन इन ईच सेक्शन। हर एक में चॉइस भी दी गई है अगर किसी सेक्शन में, तो आप वहाँ से उनको चूज कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन है। ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन ए आर वन मार्क क्वेश्चन है। ये MCQ में भी है, VSA टाइप में भी है, assertion reason टाइप में भी यहाँ पर है। दे आर टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस। वन मार्क क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड और मैक्सिमम वन सेंटेंस में देना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है। सेकंड कह रहे हैं ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन बी आर 3 मार्क्स। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप है, इसलिए आपको इनको 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क क्वेश्चन हैं और इसके लिए वर्ड लिमिट उन्होंने 8 to 9 वर्ड्स दिए हुए हैं कि इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं लिखना है, इसलिए ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस, ज़्यादा लेंथी आंसर्स नहीं लिखने हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ए टोटल 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन हैं, आपके पास टाइम भी है, ठीक है, 3 घंटे का, और ये 80 मार्क्स का एक साइंस का क्वेश्चन पेपर है क्लास टेंथ का। अगर इसको देखें सेक्शन ए को, कह रहे हैं डिफाइन कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? अब ये देखिए, इन्होंने इसका एक सैम्पल आंसर भी दिया है, उस आंसर को आप देखें कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो उन्होंने बताया कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया। ये सैम्पल पेपर्स आप CBSE की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें कि हाउ डज बैलेंसी, वो कह रहे हैं कि हाउ डज बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड। तो देखिए, उन्होंने द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपको सही ऑप्शन बताना है और उसके आगे उस ऑप्शन को लिख देना है। ऑप्शन की डिटेल्स नहीं देनी है, जो ABCD में जो ऑप्शन दिए गए थे बस उसको वहां पर लिख देना है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो पैराग्राफ बेस पर है, पैराग्राफ के बाद उसमें उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थर्ड के ABCD और उसको आपको आंसर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी के अकॉर्डिंगली देना है। जैसे 4th का D कह रहे हैं रिफर टू द टेबल ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ मेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिहाइंड विच डॉक्टर एडवाइज इज नेसेसरी। तो 4th में का ये D सेक्शन है। अगर आप देखें तो जो CBSE ने अपने सैम्पल पेपर में तरीका बताया हुआ है कि वो कितना है, 4th का D इस तरह से लिखना है, फिर लिख देना है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो फर्स्ट फिर 180, इस तरह से इसको कंप्लीट आपको करना है। अब अगर हम लोग बी सेक्शन को देखें, इसमें हम लोग बी सेक्शन को देखें, अगर तो यहां पर आप देखेंगे कुछ असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन है, तो जो असर्शन सही है और जो रीजन सही है उसको बता देना है। बी सेक्शन को देखें, बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने 3 पार्ट्स दिए, डिवाइड है, लिखा राइट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क का है,
लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन को उन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, तो हर सेक्शन के लिए 1-1 मार्क्स है। अगर इसको देखें कि सीबीएसई ने अपने आंसर में किस तरह से दिखाया है, आप ये देखिए 15 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक के लिए 1 मार्क है। इट टर्न्स येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। तो किस तरह टर्न येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, इसके लिए भी उन्होंने 0.5 मार्क्स रखा हुआ है, और रेडिश ब्राउन फ्यूम इवॉल्व, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 0.5 मार्क्स रखा हुआ है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इसके लिए 1 मार्क्स है। और थर्ड एक रिएक्शन जो थी उसके बारे में अगर आपने लिखा तो उसके लिए भी उन्होंने 1 मार्क्स दिया हुआ है। तो देखें अगर कोई क्वेश्चन सेक्शन में डिवाइड है तो उस मार्क्स को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार से एक हमको एक फुल लेंथ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव एटॉमिक नंबर 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड वाई, दे आल्सो गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म। तो उन्होंने बताया कि ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के लिए उन्होंने कितने वर्ड लिमिट्स बोले थे, 50 to 60 वर्ड लिमिट्स चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को उन्होंने किस तरह से बताया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी बातों को पॉइंट फॉर्म में लिखिए, कम से कम वर्ड में लिखिए, और एक फैक्चुअल आंसर और एक सही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अब इसी बात पे हम एक टॉपर की कॉपी भी देख लेते हैं कि वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उसने किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे सेक्शन ए का क्वेश्चन है तो उन्होंने बताया कि आंसर वन के बारे में उन्होंने डिटेल दी। दरअसल इस बार न्यू पैटर्न है और ये पुराने पैटर्न पर है, तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया हुआ उन्होंने, ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो उन्होंने किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया है, पूरा लिखा है। जैसे ही आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद देखिए बीच में 2 लाइन का गैप है, उसके बाद फिर आंसर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक गैप है। इसी प्रकार से देखिए आंसर 3 एक नए पेज से स्टार्ट किया हुआ है, उसके बारे में पूरा उन्होंने लिखा कितनी क्लियरिटी से, कितनी सफाई से, कहीं कुछ भी उन्होंने काटा पीटा नहीं है। तो उन्होंने देखिए ये भी दिखाया कि किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। हाफ हाफ नंबर भी यहाँ पर रिएक्शन के लिए यहाँ पर हाफ नंबर है, तो यहाँ पर आप देखें कि रिएक्शन किस प्रकार से है, कैसे लिख रहे हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसे देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई हुई है, तो यहाँ आपको बताना है कि FeSO4 स्टेट भी बतानी, किस स्टेज में है, सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस फॉर्म में इवॉल्व हुआ, ये गैस फॉर्म में इवॉल्व हुआ, किस कलर में है, ग्रीन है, ठीक है, तो ये भी बताना है, यहाँ ब्राउन कलर आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपको बतानी है। तो जब आप इस तरह से बताएंगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर किसी भी तरह से आपके मार्क काट ही नहीं सकता। तो ये इस तरह से देखना है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर देखिए उसने गैप दिया हुआ है और एक फिर एक नया सेक्शन उसी क्वेश्चन का उसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 लाइन का या 3 लाइन का वो गैप दे रहे हैं, 2 लाइन के गैप के बाद लिख रहा है आंसर नंबर 7, और फिर 1-2 लाइन का गैप दिया हुआ है, फिर एक दोबारा से एक न्यू रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे NaOH तो एक्वस है, ठीक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में हीट किया हुआ है। तो इस प्रकार से पूरी क्लियरिटी के साथ आपको लिखना है, तो किसी भी तरह से वो एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वर्ड लिमिट्स को आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, अगर कम लिखने से काम चल रहा है तो वहाँ पर कम लिख के भी काम चलाइए, आंसर शीट में क्लियरिटी को रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करिए, तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा आपकी कॉपी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंडरलाइन से आपकी क्लियरिटी को देख कर ही वो आपको मार्क्स देता हुआ चला जाएगा। और फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू में उन क्वेश्चंस को अटेंड करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, ठीक है। 2-3 शुरू के 2-3 पेजेस एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन बनाते हैं कि किस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं और क्या चीज़ें लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर एग्जामिनर ने किस तरह से, तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा आपकी कॉपी में रुकना नहीं पड़ेगा। तो इतना अच्छा लिखिए, इस तरीके से लिखिए, जहाँ डायग्राम की नीड है वहाँ डायग्राम बनाइए, किसी भी सब्जेक्ट में
जहाँ पर भी डायग्राम की नीड है वहाँ पर आप डायग्राम बनाइए। अगर आप सोशल साइंस का पेपर कर रहे हैं, SST का कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर मैप की नीड है तो वहाँ मैप बनाइए। तो चीज़ों को कम से कम लिखें, अच्छा लिखें और टू द पॉइंट लिखें, तो इससे एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाता है और आपको 100% मार्क्स मिलने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। तो बहुत इसी तरह से, बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा, जहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से एक परफेक्ट आंसर लिखकर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। राइटिंग पर आपको फोकस रखना है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्लियरिटी को मेंटेन करना है। एक लाइन में कुछ लोग कई बार क्या करते हैं कि दो वर्ड या तीन वर्ड लिखते हैं, काफ़ी गैप दे देते हैं, जिससे ज़्यादा जगह लगे कि ज़्यादा बड़ा आंसर लिखा हुआ। वैसा भी नहीं करना है ना, एक लाइन में 7 to 8 वर्ड्स लिखिए आप आराम से, और गैप थोड़ा थोड़ा सा गैप देके लिखिए, आंसर के बीच में गैप बना के रखिए। काट पीट नहीं करनी है, जब भी आंसर फिनिश हो तो कम से कम 2 लाइन का गैप रखें। हैंड राइटिंग में क्लियरिटी रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करिए, जहाँ डायग्राम की नीड हो वहाँ डायग्राम बनाइए। तो कुल मिला के सही इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें और आपके लाइक से ही हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।